9 Everyone 8 7 6 5 4 3 2 1 And here we go with a huge round of applause. Come on everyone. Come on everyone, let's make some noise. Woo! So guys, this is the Aprilia SXR 160. ये स्कूटर अभी जस्ट अनवील हुई है और चलिए देख लेते हैं कि इस स्कूटर में क्या क्या फीचर्स ऑफर करा है Aprilia ने. लेट्स गो. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द फ्रंट प्रोफाइल. तो इसके फ्रंट पे आपको LED हेडलाइट मिलता है विद डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ. एक सेकेंड मैं आपको गाड़ी चालू करता हूँ, उसके बाद आप हेडलाइट को देख पाएंगे. सो आप ये देख सकते हैं कि इसका हेडलाइट कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है. और अगर आप दूसरे एलिमेंट्स की बात करेंगे तो इसको मिडिल पे एक नोस जैस शेप का एलिमेंट मिलता है. और जब आप स्कूटर के हेडलैम्प के थोड़ा ऊपर देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि इसको एक ब्लैक कलर का विंडशील्ड दिया हुआ है Aprilia बैजिंग के साथ. और जब आप स्कूटर के इस पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्कूटर में आपको थोड़े ग्राफिक्स यूज़ किया है Aprilia ने. और इसके अगर आप इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो इसको कम्प्लीटली LED इंडिकेटर मिलता है फ्रंट एंड बैक दोनों पे. और जब आप लोग इस स्कूटर के फ्रंट व्हील की बात करोगे तो इसको फ्रंट पे 12 इंचेस के व्हील्स मिलता है विथ 220mm डिस्क ब्रेक के साथ. और साथ में अगर आप इसके फ्रंट सस्पेंशन सेटअप की बात करेंगे तो इसको फ्रंट पे टेलीस्कोपिक फोकस सस्पेंशन मिल जाता है. और जब आप लोग इस स्कूटर के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करोगे तो इस स्कूटर में आपको 155mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है फॉर श्योर. और जब आप इस स्कूटर का साइड प्रोफाइल देखेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि साइड से भी ये स्कूटर बहुत ही ज़्यादा कूल सा लुक प्रोवाइड कर रहा है फॉर श्योर. और जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक SXR 160 की बैजिंग मिल जाती है. और जब आप लोग इस स्कूटर के रियर टायर की बात करेंगे तो इस स्कूटर के रियर पे आपको 12 इंच के व्हील्स मिलता है विथ 140mm डीआर ड्रम ब्रेक के साथ. और साथ में अगर अभी स्कूटर के रियर सस्पेंशन सेटअप की बात करेंगे तो इसको रियर पे मोनोशॉक का सस्पेंशन मिल जाता है. और जब आप इस स्कूटर के इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो इसको 160cc BS6 इंजन मिलता है, 2 गेट प्रोड्यूसिंग 11 PS ऑफ पावर एंड द 11.6 Nm ऑफ टॉर्क. जब आप लोग इस स्कूटर का रियर प्रोफाइल देखेंगे तो रियर से भी ये स्कूटर बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है. और इसके जो टेल लैम्प मिलता है दे आर LED टेल लैम्प. और साथ में आपके जो इंडिकेटर्स मिलता है वो भी आपको LED मिलता है. नाउ लेट्स सी द बूट स्पेस ऑफ दिस स्कूटर. और जब आप लोग इस स्कूटर का बूट स्पेस देखते हैं तो इसको एक अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है. इसमें आपका एक हेलमेट आराम से बैठ जाएगा. एंड दिस इज़ योर फ्यूल लेट. और जब आप लोग इस स्कूटर के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करेंगे तो इस स्कूटर में आपको 7 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है. एंड दिस इज़ योर लेफ्ट साइड कंट्रोल. यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लाइक आपका लो बीम हाई बीम का बटन मिलता है, आपके टर्न इंडिकेटर का बटन मिलता है एंड एट द सेम टाइम आपके हॉर्न का स्विच भी मिलता है. और जब आप इसके राइट साइड कंट्रोल की बात करेंगे तो राइट साइड में आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन मिलता है, साथ में आपको मोड्स चेंज करने के जो बटन है वो आपको मिलता है. और नाउ लेट्स टर्न ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ द न्यू Aprilia SXR 160. और अगर आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखोगे तो इसको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है. और यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है, डिजिटल टैकोमीटर मिलता है, डिजिटल फ्यूल गॉज मिलता है, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर वगैरह मिल जाता है.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में इन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ भी जानना हो या आपको ये स्कूटर देखकर कैसा एक्सपीरियंस हुआ, और हमें फीडबैक दीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पर पहले बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ऐसे लेटेस्ट कंटेंट पाने के लिए। सो थैंक यू, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ। आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।